काम भी तो तुमने मरने वाले किया है ना। बोला था ना मैंने तुम्हें कि मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनते, राइट? Come on, Alia. You can come up with something better. मतलब ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां सुन सुन के तो अब डर भी नहीं लगता है। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। करती तुम कुछ भी नहीं हो यार। बोल तो ऐसे रहे जैसे तुम बहुत कुछ कर लेते हो। कब से बोल रहे थे कि मैं प्रज्ञा को मार दूंगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, लेकिन क्या किया तुमने? पहले उसकी माँ को मार दिया, उसके बाद मेरे मेरे भाई को तुमने भाई को पकड़ लिया तुमने। हाउ डेयर यू। तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसी के घर जाके किसी को नहीं पकड़ता हूँ, या फिर मैं पीछे भाग भाग के किसी को पकड़ने या उठाने का काम नहीं करता हूँ? मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते के बीच में जो आता है ना, मैं उसे हटा देता हूँ। तो अब तुम अपना रास्ता बदल लो निखिल, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में मेरे भाई और मेरे भाई के साथ में मैं खड़ी हूँ, समझे तुम? मेरे भाई को छोड़ दो, अभी भी वक्त। एक बात बताओ, ये रास्ता बदलने वाली राय जो है, ये तुम अपने भाई को क्यों नहीं देती? हर बार कैसे ना कैसे करके वो प्रज्ञा को बचाने पीछे पीछे आ जाता है। हीरो बनने का अगर इतना शौक है तो गाना गाना छोड़ दे, और फिल्मों में काम क्यों नहीं करता वो? Just stop it. बहुत हो गया तुम्हारा निखिल। भाई को जो काम करना है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन तुम रिटायरमेंट ले लो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। इस आदमी ने तो मुझे और कंफ्यूज कर दिया। इसकी आवाज निखिल जैसी है, या फिर ये निखिल जैसी आवाज निकाल रहा है। और फिर जब मैंने पूछा कि तुम निखिल हो, तो कहता है हाँ मैं निखिल हूँ। अब मैं उसकी बात मानूं या नहीं मानूं? शिट, ये निखिल है भी या नहीं? तुम बोरी क्यों पहन रखी है तुमने? अच्छा, पहले कहते थे आहट से मुझे पहचान लेते, अब मुझे पहचान ही नहीं रहे, नहीं दिखाती अपना चेहरा। देखती हूँ कब तक नहीं पहचानते। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे डरा सकते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो अपनी शक्ल दिखाऊं, हाथ खोलो और फिर मुकाबला करो ऐसे। रुको, हेलो, तुम आदमी हो या भूत हो? अगर आदमी हो तो मैं बता देता हूं कि मुझे सिर्फ गिटार बजाना नहीं, नंचकू भी चलाना आता है। नंचकू बहुत फास्ट चलाता हूं, मुंह सर सर के मारूंगा। और अगर भूत हो तो मुझे वो हनुमान चालीसा भी आता है, मैंने दादी को बोलते हुए सुना है। पहले दो तीन लाइन तो मुझे याद है, पक्का इश्यू है। मैं बोलकर ना भस्म कर दूंगा, तुम्हें आगे बताना मेरे प्लीज। तुम हो कौन? भूत हो, आदमी हो, कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। भूत, बोलने वाला भूत। देखो, मैं भूत जी, मैं मरना नहीं चाहता, और भूत के हाथों तो बिल्कुल नहीं। प्लीज, मैं मारने नहीं, बचाने आया हूँ। बचाने वाला भूत मतलब फ्रेंडली घोस्ट? भूत जी, मैंने बोलने वाला भूत आज तक कभी नहीं देखा। प्लीज मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो तुम?
दिखाओ ना शक्ल अपनी। मैं देखना चाहता हूँ कि भोलने वाला भूत दिखता कैसे। ऐसा होता है। तुम अगर ऐसे भाग गई थी तो तुम वापस क्यों आई? भागी गई थी या इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला और तुम किसी और कमरे में थी? नहीं, मुझे यहीं बांध के रखा था उन लोगों ने, लेकिन मैं ऐसी भागी थी कि अभी तक तो घर भी पहुंच गई होती। तो फिर पहुंची क्यों नहीं? लिफ्ट नहीं मिला या फिर घर का रास्ता भूल गई थी? कहीं तुम इन लोगों को ये तो नहीं बोलने आई थी कि मुझे जहां से उठा कर लाए थे मुझे वहीं पर छोड़ दो? नहीं, आप तो ये बताने कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी कभी सिंपल नहीं रह सकती। वो चीज सिंपल होती भी ना तो आप उसे आके मुश्किल बना देते। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचाने आया था ना। बचाने? इसे बचाना कहते हैं? इसे बचाना कहते हैं कि फसाना कहते हैं? वो भी अपने आप को जोश में होश खो देना बोलते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं, अरे जिस जाली में बैठे हो ना उसी को काटना बोलते हैं। ये सारे मुहावरे याद हो रहे हैं ना, लेकिन पहले आपका हाथ खोल दो फिर आराम से झगड़ा करें। तुम एक काम करो ना, अपने मुहावरों वाला किताब अपने साथ लेकर घुमा करो। अगली बार सुनाने के बदले वो किताब दे दिया करो। इतना कुछ सुना था क्या? सुना रही थी या फिर धमका रही थी मुझे? धमका नहीं रही, समझा रही हूँ। किसी और के लिए तो मुसीबत में डरना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। और कोई इंसान खुद कैसे किडनैप हो सकता है? मैं जानबूझकर थोड़ी ना किडनैप हुआ। मुझे लगा था तुम मुझे मिलोगी, मेरी बहादुरी से इम्प्रेस होकर मुझे गले से लगाकर बोलोगी ओ माय हीरो। और तुम खड़ूस? इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। हेलो, तुम अपना मुझे टॉर्चर करना बंद करो। इससे अच्छा तो गुंडों का टॉर्चर था। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आउट। मुझे पता था कि आप अपनी बात मनवाने के लिए यही हथियार लेंगे। आपकी आदत है, आपको पता है ये आदत ना इरिटेटिंग लड़कियों की होती है। मैं बात नहीं करूंगी, किसी भी आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए मैं बात नहीं करूंगी। अब तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है? अरे है प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो बात कीजिए ना मुझसे। मुझसे कहिए कि मैं गलत हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपके स्मार्ट और शार्प इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से हुआ। हंसी आ रही है, रोक कर रखा हूँ। इतना गुस्सा? हाँ इतना गुस्सा। बिल्कुल नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं मजाक कर रही थी तब भी नहीं मानूंगा। अगर मैं कहूँ कि आप दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं तब भी नहीं मानूंगा। अगर मैं कहूँ कि आप एक हीरो की तरह अपनी जान पर खेलकर अपनी फ्रेंड को बचाने आए थे तब भी नहीं। फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। ठीक है गर्लफ्रेंड। अगर मैं कहूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए उतनी ही परेशान थी जितना कि आप थे तब भी नहीं। और अगर मैं ये कहूँ जब मुझे पता चला कि आप मुझे बचाने के लिए यहाँ आ रहे तो इस डर से कि आपके साथ कुछ गलत ना हो मैं आपके यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी। तुम सच बोल रही हो? हाँ। बस मेरे पास जितने तरीके थे ना आपको मनाने के लिए मैं आजमा चुकी, अब आप ही बता दीजिए कैसे मानेंगे आप। मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगी? हाँ करूंगी। पक्का? पक्का। तो फिर कान पकड़कर सॉरी बोलो। लेकिन सॉरी तो मैंने कहा ना। कान नहीं पकड़ा था ना। अरे आपको मेरी सॉरी से मतलब है या मेरे कान पकड़ने से? तुम फिर से बहस। अच्छा ठीक है, बहस नहीं करती। मैं प्रज्ञा अरोड़ा अपने कान पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। और हाँ मैं ये वादा भी करती हूँ कि आइंदा आपको डांटूंगी नहीं। डांटना होगा तो डांट वाली किताब दे दूंगी। खुश? टाइम क्या वेस्ट कर रही हूँ इधर? पूरा
मैं कब से तुझे फोन लगा रही बेटा, तू कहाँ चला गया था? तेरा फोन ही नहीं लग रहा, कम से कम फोन तो। माँ वो मैं पुलिस स्टेशन में था। क्या बात है, आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे? प्रज्ञा का फोन आया था, वो वहां गुंडों के चंकों से निकल भागी। क्या थी वहां से भाग गई? तो इतनी बड़ी न्यूज आप मुझे अब बता रहे हैं? एक बुरी खबर भी है, प्रज्ञा तो भाग गई, लेकिन प्रज्ञा को रास्ते में ही पता चल गया है कि अभी उसको बचाने के लिए गुंडों के पास पहुंच गया है। अब अभी भी गुंडों के कब्जे में है। मैंने प्रज्ञा से कहा था कि घर आ जा, लेकिन लेकिन वो अभी को बचाने वहां चली गई, और वो भी अकेले। और ये हुआ कब? अरे अभी कुछ देर पहले तो हुआ, कब से तुझे फोन लगा रहे थे, लेकिन तू है कि फोन ही नहीं उठाता है। मैं पुलिस स्टेशन में था और मेरा फोन साइलेंट पे था, लेकिन मुझे अपना फोन साइलेंट पे नहीं रखना चाहिए था। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं वहाँ पुलिस को। ओहो बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो क्या करना है। तब नहीं बता सकता था, अब तो बता सकता है ना। हाँ पूरा, तो एक काम कर बेटा, तू तो पुलिस को फोन लगा, उन्हें बोल कि प्रज्ञा और अभी वहाँ फंसे हुए हैं उन गुंडों के पास, और किसी भी तरीके से वो लोग वहाँ पहुँच जाए उसकी मदद करने। चल 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 फोन लगा। हाँ, फोन कर। नहीं नहीं, पुलिस को वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने आप सब लोगों की बातें सुन ली, आप सब लोग मुझे चालाक कहते ना, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है। जहाँ पे सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मेरी शादी टूट गई, मेरी मॉम अपसेट है, मेरे डैड परेशान है, अभी का कुछ पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में, मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे किससे पूछूं, कुछ नहीं पता, सबको सब कुछ पता है और मुझे कुछ कुछ पता नहीं रहा। इनफैक्ट मुझसे छुपाया जा रहा है। दुश्मन मैं आप सबकी नहीं, आप सब लोग मेरे दुश्मन है। तनु, ये सब जो तुम बातें कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं। ये जो तुम कंसर्न दिखा रही हो, ये सब ड्रामा है। तुम्हें अभी की चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता किसी और बात की है। और तुम क्या चाहती हो कि हम सारी न्यूज दें तुम्हें आकर, ताकि तुम कोई और प्लान बना सको? प्लान? तुम क्या कहना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। वो तो मुझे सबूत नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं साबित कर ही देता कि इस किडनैपिंग में तुम्हारा ही हाथ है। और ये जो तुम अभी का कंसर्न दिखाती हो ना, ये जान लो कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही गायब है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तेरी वजह से गायब है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिससे शादी करने वाली थी, और उसे मैंने किडनैप करवाया, मैंने गायब करवाया उसे? पता नहीं, लेकिन मैं पता जरूर लगा लूंगा। अब सामने से हटो, इन फालतू की बातों में हमारा टाइम वेस्ट मत करो, और भी जरूरी काम है हमें। जानती हूँ तुम्हारे जरूरी काम। हाँ तो करने दो ना हमें उनकी मदद, ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करके उनकी मुसीबत और क्यों बढ़ा रही हो? हटो सामने से। ठीक है जाओ, तुम तुम्हारा काम करो और मैं अपना काम करूंगी। मैं आलिया को जाके सब कुछ बता दूंगी। वो मुझसे ज्यादा परेशान अपने भाई को लेकर, और मैं उसे बता दूंगी कि यहाँ पे सब कुछ पता, लेकिन उसे छुपाया जा रहा है सब कुछ। उम्मीद तो मैंने भी खो दी थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें वापस, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मुझे पता चला कि तुम यहाँ से भाग गई हो, तो मेरी जान खतरे में होने के बावजूद जान में जान आ गई। कहते हैं ना कि कोई चीज आपसे जब दूर चली जाए तभी आपको उसकी अहमियत पता चलती, तो इसलिए आप कभी मुझसे दूर मत जाना। अगर मैं तुम्हें दूर जाने के लिए भी बोलू ना, तो तुम जाना मत, मुझे सुना देना। सुना क्या देना, एक लगा देना मुझे। तुम रो क्यों रही हो? रो मत। देखो अगर तुम रोगी तो तुम्हारा ये काजल फैल जाएगा, अगर काजल फैल गया तो एकदम भूत लगोगी तुम, और भूत। लग रही हो भूत, फैल गया है पूरा काजल। कहाँ फैला है काजल? लेफ्ट और लेफ्ट। अरे इतना लेफ्ट नहीं, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, और तुम्हारे लेफ्ट लेफ्ट। अरे आंख निकालोगे क्या? राइट में। अरे वो वाला राइट नहीं, ये वाला राइट। अरे आप क्या ये लेफ्ट राइट लगा रखा है, खुद साफ कर दीजिए ना। कैसे फूक मार के साफ करूं? आप तो बंदे एक खोल दो ना। सॉरी, वो मैंने कहा था ना आपके सामने मेरा दिमाग ही नहीं काम करता,
बातों में भूल ही गई कि आपकी रस्सी खोली। और अब तुम ये मत भूल जाना कि हम खड़े कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो लोग आ गए ना तो लेफ्ट राइट खड़ा कर देंगे हमको इससे बांध कर। मैं खुद ये खोलो ना। अरे पीछे से नहीं, मैंने क्या कहा था कि अब तुम मेरे नजरों के सामने से कहीं नहीं जाओगी। सामने ही खड़ी रहके पीछे का खोल दो। आओ! आ! क्या हुआ? तुम अपने साथ ब्लेड लेकर आई हो? ब्लेड? रस्सी काटने के लिए। वो ब्लेड अभी लगा मुझे। ब्लेड नहीं, नाखून थे मेरे। तुम लड़की अपना नाखून इतना क्यों बढ़ाती हो? कोई काम में आता है तुम्हारा नाखून? ना तो तुम किसी को डरा सकती हो, ना रस्सी काट सकती हो, बस कान से महल निकाल सकती हो। वैसे लड़कियों के नाखून जो है ना वो बिल्लियों की तरह होने चाहिए, जरूरत पड़ने पर बाहर आ जाए, फिर उससे रस्सी भी काट लो और दुश्मन से भी निपट लो, है ना? आप मुझे बिल्ली कह रहे हैं? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? जंगली बिल्ली ना सामने से बहुत खतरनाक होती है। पीछे से जाके खोलूं? नहीं, जैसा कहा तुम वैसे ही करो। अरे फिर से नाखून लग जाएगा ना। अच्छा, अगर दोबारा नील लग गया ना तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा। ये क्या कुत्ता बिल्ली लगा रखा है? आपको कोई अच्छा एग्जांपल नहीं सूझ रहा क्या? तुम सामने आती हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, आपका तो दिमाग कहीं भी काम नहीं करता। आपको कुछ सीखना चाहिए मुझसे। मैं अकेली यहाँ से भागी, आपको पता है रस्सी खोल के इस पोल से ऊपर से निकल के मैं भागी हूँ यहाँ से। वो भी मेरे हाथ ना पीछे बंधे हुए थे, तो मैं ऐसे आगे लेकर आई। करिए। हाँ, क्योंकि तुम लक्की हो। लक्की गुंडों ने तुम्हारा हाथ पीछे बांधा था ना, मेरे जो हाथ है वो साइड में बंधे हुए ना। अब ऐसे ऐसे कैसे करूं मैं? लक्की वक्की कुछ नहीं, ये रस्सी तो क्या, आप एक छोटे बच्चे की चड्डी का नाड़ा तक नहीं खोल सकते। मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? थैंक गॉड अभी तो आपका दिमाग चला, आपको समझ में तो आया कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हाथ बंधे हुए है ना, वरना मैं रस्सी खोल देता। क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? आप क्यों नहीं मान लेते आपका दिमाग नहीं चलता? अगर दिमाग चलता ना तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। अच्छा, दिमाग चलता तो ये सब नहीं करते। प्रपोज मुझे किया और शादी तनु से करने जा रहे थे। वो मैंने अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना किया है, मैंने उससे वादा किया इसलिए वो सब करना पड़ा मुझे। तनु से वादा याद है, मुझसे वादा किया भूल गए? भूल जाता तो याद थोड़ी ना आता। तो तनु से किया हुआ वादा कहाँ गया? वो उसकी मॉम को कैंसर था, बीमार थी वो, इस वजह से तो मैंने वो सब कुछ किया। अच्छा, कैंसर था, अब ठीक हो गया? ठीक कैसे हो गई, कैंसर ऐसे थोड़ी ना ठीक होता है, वो तो मैं। अच्छा, आपको बताया किसने कि उनको कैंसर है? उसकी मॉम ने ही बताई मुझे। किसे फोन कर रहे थे? मैं आलिया को। उसे भी तो बताओ कि तुम सब लोग यहाँ पे उससे क्या क्या छुपा रहे हो। उसे तो बताना ही था, आखिर वो तुम्हारी पार्टनर जो है। What do you mean by partner? तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो तुम ना समझने की एक्टिंग कर रही हो, और मैं तुम्हें ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। ये क्या कर रहे तुम? वही जो पहले किया था, तुम्हें चुप कराने के लिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब तुम मुझे ये बात समझने में तुमने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। गुड फॉर यू। चिल्लाओ और ज्यादा चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज ना तो आलिया तक पहुंचेगी उतना ही अभी तक। यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें रास्ते से हटाने का बस एक ही तरीका बचा था। चलो अब गुड नाइट, गुड मॉर्निंग में मिलते हैं अभी और प्रज्ञा दी के साथ। अरे जल्दी करो, इतना टाइम क्या लगा रही हो? खुल नहीं रही ना, पता नहीं कैसी गांठ मारी। अगर रस्सी खुली नहीं ना और वो लोग आ गए तो मैं उनसे लड़ूंगा कैसे? जल्दी खोलो, जल्दी खोलो।
आप लड़ेंगे उनसे। और कोई दिखता है तुम्हें यहाँ पर? अकेले लड़ेंगे। नहीं, पूरी फौज लेकर आए हो, अभी सो रहे ना, तो इसलिए अकेले लड़ना पड़ेगा। आप उन सबसे लड़ेंगे और आप जीत जाएंगे। और नहीं तो क्या, तुम्हारे आने से पहले किसी से लड़ा तो मैं बहुत मारा था उसे, मार मार के तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी दिखा ली। अब आने दो ने, पर पहले रस्सी तो खुले, उसके बाद देखो कुछ उम्र कर दूंगा उन सबका। चल मैं मान लेती हूँ कि कोई एक अकेला इंसान आएगा तो आप उससे मार के उसे जीत जाएंगे, पर क्या गारंटी है वो अकेला आएगा? चार पांच गुंडों को अपने साथ लाए तो क्या करेंगे आप? उनसे भी लड़ जाएंगे, वो लोग आप पे हावी हो गए, आपको मार दिया, आपको दर्द होगी, चोट लगेगी, कमजोर पड़ जाएंगे, पर आपके साथ भी मार दिया, आपका मेमोरी लॉस, वैसे इतना कुछ भूल चुके हो और भी भूल जाएंगे तो ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अरे बात कोई भी हो तुम उस बात को मेरे मेमोरी लॉस से क्यों जोड़ती हो? मतलब मेरे मेमोरी लॉस से तुम्हारा क्या लॉस है? मतलब मेरे मेमोरी से तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? मैं आपको बता पाती, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी आप किसी से नहीं लड़ेंगे, बस। लोग आ गए तो? मैं सोच रही हूँ ना कुछ। भाई, तुमको तो कितनी मधुमक्खियों ने काटा है। ए, उन्हें अपना थोबड़ा देखा? भाई तो बॉस है हमारे। मधुमक्खी को क्या पता कौन बॉस है? दरवाजा खोल फटाफट, फटाफट दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने में कितना टाइम लगता है? चोरी है कोई? फटाफट खोल। जल्दी कर, अब टेंशन मत लो। एक दो जा, जाकर चेक करके अभी के साथ अंदर और कोई है या नहीं। जा फटाफट जा। समझ में ही नहीं आ रहा। आपको सोचना भी नहीं चाहिए, पूरब ने जो किया वो सही किया, और ना ये मुसीबत न जाने और कितने सियापा पैदा करती। माँ हमें जल्दी चलना चाहिए, एक एक मिनट कीमती है, अगर दी वहाँ पर पहुँच गई है तो दोनों के लिए बराबर खतरा है, हमें जल्दी चलना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम सब लोग चले गए तो ये मुसीबत जा गई कहीं नई मुसीबत पैदा न करते। ये जो मुसीबत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है ना, इससे भी बड़ी मुसीबत मैं इसके लिए छोड़ के जाऊंगी, और वो पता कौन है? वो है मेरी इंदु। हाँ इंदु, तुझे पता है ना, अगर तू ये बेहोश रही तब तो ठीक है, अगर होश में आ गई तो पता है ना क्या करना है। हाँ दीदी, आप फिक्र नहीं करो, इसके लिए तो मेरा एक मुक्का और आधा दिमाग ही बहुत है। हाँ शाबाश जानकी, तू भी यहीं रुक जा इंदु के पास। अरे एक से दो होंगे तो ज्यादा भला होगा, कुछ होगा तो संभाल पाओगे। ठीक है बीजी, मैं रुक जाती हूँ, पर आप लोग देर ना करें, आप लोग जल्दी निकले यहाँ से। चलिए अब हमें जल्दी चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पुलिस को भी हम रास्ते में ही फोन कर लेंगे। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी, जाओ जाके जल्दी से पूरा फोन करना, मुझे फोन जरूर करना। क्या भाई साहब, यही का एड्रेस चाहिए? सर जी यहां तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है,
उसने अगर देखा है तो उसे यहाँ होना चाहिए था, पर यहाँ तो वो प्रज्ञा वहाँ है, उस कमरे में, उस कमरे में भाई के साथ, भाई के साथ, और वो भागने वाले। सर जी कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं यार, नहीं हो कुछ नहीं। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? रॉक कॉन्सर्ट की तैयारी। बाहर मेरे लाखों फैंस की भीड़ नहीं देखी तुमने? और तो सुना ही होगा। वहाँ पे पागलपन। कौन आया था यहाँ पे? कौन आया था यहाँ पे? फूल भी लेकर आया था, तेरे पीछे ही रखे। वो देख, किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते। उल्टा सवाल करेगा तो सीधा जवाब कैसे मिलेगा? उल्टे सवाल का उल्टा जवाब मिलेगा ना? जब दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है, जब दिख रहा है कि तेरे होते हुए यहाँ पर अंदर कोई आ नहीं सकता, तो ये फालतू के सवाल पूछकर मेरा टाइम पास क्यों कर? जाओ यार, जाके पत्थर दे खेलो। बहुत चलती है ना तुम्हारी ये जुबान। आज भी बहुत चलता है, और ये बात तुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए मेरे हाथ बांध कर रखा है ना। अरे अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है, कम से कम शक्ल दिखाने की तो हिम्मत रख। ये जो प्रोटेक्शन पहन कर आया ना, उतार इसे। सर जी ये बहुत बोल रहा है, तू क्या इसको फटके। देखो अभिषेक मेहरा, बाहर दुनिया के लिए तू रॉक स्टार होगा, मगर यहाँ पे सिर्फ एक स्टार है मैं। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ कि जो सवाल तुमसे पूछा जाए उसका सीधे सीधे जवाब दो, वरना जैसे मैं इसे हुक्म देके तुम्हें। क्या कुछ अटक गया क्या? सही वक्त पर निकल गई वहां से। अगर मैं यहाँ रही तो ये लोग जाते हुए मुझे देख ही लेंगे, इससे अच्छा होगा मैं अभी के लिए इस कमरे से भाग जाती हूँ। बाहर आ गई हूँ तो कोई पक्का काम करना चाहिए मुझे। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं वापस अंदर जा सकूं और फिर हम दोनों यहाँ से भाग सके। अगर मुझे कोई तेज धार वाली चीज मिल जाती तो, जैसे कोई चाकू या फिर कम से कम उन गुंडों को डरा के अपना काम तो कर रह सकती हूँ ना, पर ऐसी कोई चीज मिलेगी कहाँ? है मोबाइल था इसकी जेब में। इतनी देर से मोबाइल इसके पास है और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? यूज़लेस। अब इसका क्या करना है? अरे अपनी माँ को फोन लगा और बता कि कैसे निकम्मी औलाद पैदा करी है उसने। लेकिन माँ तो अभी सो रही होगी ना सर। अरे मेरे बाप, तोड़ दे इसे, तोड़ दे। बस टूट गया। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, इस जगह को लॉक कर मुझे बाहर आके मिल, समझ गया? जी अच्छी तरह। यहां से बच निकलने का आखिरी मौका भी गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।